गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेक मॉडल एंड एनालिसिस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं चेक मॉडल। चेक मॉडल के लिए एक वाले मॉडल होना चाहिए। चेक मॉडल का मतलब है कि आपने एक मॉडलिंग की, एक बिल्डिंग या कोई भी एक स्ट्रक्चर आपने मॉडल बनाया आपने ई टैब में, तो मॉडलिंग में कोई एरर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक टूल है चेक मॉडल। अब एरर किस टाइप का होता है, मान लीजिए आपने डुप्लीकेट बीम्स बना दिए, ओवरलैप कर रहे हैं बीम, एक के ऊपर एक बीम बने हुए हैं, या कहीं से बीम बाहर निकला हुआ है वो ट्रिम करना है आपको, तब हमें काम आता है चेक मॉडल। वो एक बार चेक कर लेता है कहीं पे स्पेस है, कहीं पे जॉइंट नहीं हुआ है, एक बीम आपने दूसरे बीम से कनेक्ट किया है पर वो कनेक्ट हुआ नहीं है, पर आँखों से देखने पर लग रहा है कि कनेक्ट हो गया है बट वो कनेक्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, चेक मॉडल करते हैं। और ई टैब में हम ऑटो कैड से बनाए हुए प्लान या मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, और जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी और सॉफ्टवेयर का मॉडल अब ई टैब में, या तो कुछ एरर्स आते हैं, कहीं लाइन ज्वाइन नहीं हो पाती, कहीं जॉइंट होना चाहिए वहाँ पर जॉइंट नहीं होता, ओवरलैप होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो वो सारे एरर अगर आपको रिमूव करने हैं तो आप चेक मॉडल कर सकते हैं। तो जैसे कि इस मॉडल को अगर मुझे चेक करना है तो मैंने सेलेक्ट किया ऑल मॉडल, आप एनालिसिस में जब जाते हैं तो एनालिसिस के पास ही आपका होता है चेक मॉडल, हमें मॉडल चेक करना है। तो मैंने इस मॉडल पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू डाली हुई है, इसको वन कर देता हूँ। ये कह रहा है वन टॉलरेंस, यानी कि मान लीजिए अगर दो मेंबर के बीच का स्पेस, दो मेंबर पैरेलल जा रहे हैं उन दोनों के बीच का स्पेस 1 mm है तो क्या करेगा, 1 mm से कम है तो क्या करेगा, वो उन दोनों को ज्वाइन करके एक मेंबर बना देगा। तो इसी तरह से ये टॉलरेंस है, मान लीजिए फर्स्ट देखिए दो जॉइंट के बीच में अगर 1 mm से कम स्पेस है तो उनको मर्ज करके 1 joint बना देगा। उसी तरह एक फ्रेम और एक जॉइंट के बीच में स्पेस अगर 1 mm का टॉलरेंस है तो उसको ज्वाइन कर देगा। इस तरह से कोई ओवरलैप हो रहा है तो सिंगल बना देगा, डुप्लीकेट को डिलीट कर देगा, तो ये सारे एरर ये रिमूव कर देगा, या कोई हमारा मेंबर एक्सटेंड हुआ हुआ है थोड़ा बाहर निकला हुआ है, सबको ये सही कर देगा। तो इस पर क्लिक करके ओके करना होता है, फिर एक विंडो आती है, कोई भी एरर होता है तो विंडो यहाँ डिस्प्ले कर देती है उस एरर। तो ये होता है हमारा चेक मॉडल। उसके बाद आते हैं एनालिसिस में, तो एनालिसिस का आइकन ये होता है, इस पर क्लिक करोगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, उसके बाद एनालाइज सेव कर दोगे तो एनालाइज कर देगा इसको। ने एनालाइज कर दिया है और आप एनालाइज में जाकर सेट लोड केस टू रन, ये भी एक एनालिसिस का पार्ट है, सेट लोड केस टू रन। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एनालाइज है इसमें सबसे पहले चेक मॉडल है मैं बता चुका हूँ आपको, उसके बाद और भी चीज़ें हैं, ये मैं अभी नहीं बताऊँगा, ये नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि ये थोड़ी इनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बतानी होंगी जो अभी तक नहीं बता पाया हूँ मैं, और अभी बताऊँगा तो समझ में नहीं आएंगी। तो इसमें एक ये चेक मॉडल बता चुका हूँ और एक ये चीज़ और समझ लीजिए, सेट लोड केस टू रन, मैं एनालाइज करना चाहता हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोड हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड, लेकिन मुझे अभी केवल डेड को रिजल्ट देखने हैं, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ कि डेड मेरा नॉट रन, डू नॉट रन डेड, सॉरी मैं डेड के रिजल्ट देखना चाहता था, मैं इन दोनों को डू नॉट रन कर देता हूँ और केवल डेड पर यहाँ क्लिक करके रन, और जब मैं रन करूँगा तो रिजल्ट जो आएंगे मेरे केवल डेड के आएंगे। तो ये चीज़ है एनालिसिस में, और जैसे ही आप एनालिसिस करते हैं तो सेव के लिए पूछता है, सेव कर दोगे उसके बाद एनालाइज होकर जो आपके मॉडल की जो व्यू होता है वो डिफॉर्मेशन शेप होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिफॉर्मेशन, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, जो रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, कहाँ देखते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।